कांग्रेस की सरकार में प्रदेश भर में खोले गए राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम बदलकर भाजपा सरकार ने ग्राम सचिवालय रख दिया था, मगर आज सफेदों के गांव कारखाना में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने आदेशानुसार कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश जांगड़ा ने ग्राम सचिवालय को मिटाकर राजीव गांधी सेवा केंद्र लिख दिया। साथ में जागड़ा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 11 लाख रुपए के बजट से ग्राम पंचायत कारखाना के द्वारा 2013 में राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाया गया था, मगर भाजपा सरकार ने गांव-गांव में कांग्रेस की स्कीमों के नाम मिटवाकर अपने नाम के पत्थर लगवाने का काम कर रही है। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए सफेदों से अभिषेक दीमान की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।